टू योर लवली प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश दैट इज इंग्लिश विद पीपल सर। तो आज आपके सामने 12th बिहार बोर्ड का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, है ना। और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा आपके बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड के लेसन 10 का है। तो मैं विपुल सर आपका दोस्त आपका होस्ट आपके सामने फिर से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और काफी नॉलेजेबल टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो चलिए फिर से वही एक पुराना सा रिक्वेस्ट, फिर से वही आपसे अनुरोध कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आप मुझ पर भरोसा रखें। ये चैप्टर जैसे मैंने बाकी चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है आपको पढ़ाया है तो जरूर से ये टॉपिक्स भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको वापस कहीं नहीं जाना होगा, आप किसी भी टॉपिक से किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप बनाइए, इसके सारे क्वेश्चंस आपके नो डाउट आराम से बनेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो देखिए बुक का तो नाम ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, लेकिन मेन जो यहाँ पे एक नया वर्ड कौन सा है, ड्रामा वर्ड है। ठीक है, क्या है ड्रामा वर्ड। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं क्या कि जो ड्रामा को राइट करता है ना, जैसे आप बोलते हो ना इस कहानी का कहानीकार कौन है, इस कहानी को लिखता कौन है ना, कविता को कौन लिखता है तो कवि लिखता है, इस तरह से बोलते हो, वैसे ड्रामा है। नॉवेल को कौन लिखता है, तो नॉवेलिस्ट, वन हु राइट्स अ नॉवेल दैट इज कॉल्ड नॉवेलिस्ट। वैसे ही जो ड्रामा लिखता है ना, जो ड्रामा का जो राइटर होता है, ड्रामा को जो लिखता है उसे कहा जाता है प्लेराइट। ठीक है, क्या कहा जाता है प्लेराइट, इसको आप हिंदी में कहते हैं क्या, नाटककार। तो सबसे जो फर्स्ट थिंग इस चैप्टर में समझना कि द स्टोरी ऑफ ड्रामा है, तो ड्रामा का राइटर, ड्रामा को जो लिखता है उसे क्या कहते हैं, प्लेराइट कहते हैं, यानी कि नाटककार कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। और ये क्वेश्चन आपको वन वर्ड में आ सकता है या आया भी है कि वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड, तो क्या होगा प्लेराइट। हो सकता है कभी कभी आपको इसके जगह पे प्लेराइट या फिर क्या दे देगा, ड्रामेटिस्ट, है ना, इसको ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार होता है, प्लेराइट का मतलब क्या होता है, नाटककार। अब दोनों याद रखिएगा, क्या समझे कि वन हु राइट्स ड्रामा, जो ड्रामा लिखता है उसे प्लेराइट कहते हैं नाटककार, या फिर वन हु राइट्स ड्रामा ड्रामेटिस्ट भी उसको कहा जाता है। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, क्या समझे कि जो ड्रामा लिखता है उसे हम ड्रामेटिस्ट या फिर प्लेराइट दोनों कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका वन मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है कि जो ड्रामा वर्ड है ना, ये ड्रामा वर्ड आखिर ये आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसका ओरिजिन ये वर्ड आया कहां से, है ना, मतलब ये केम फ्रॉम, ये आया कहां से। मैं आपको बता दूं कि ड्रामा वर्ड जो ओरिजिन है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, ग्रीक वर्ड, कहां से हुआ है ग्रीक वर्ड। तो याद रखना है कि ड्रामा वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है। और जो ड्रामा जो वर्ड है, इस ड्रामा वर्ड का मीन्स, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, थिंग डन। तो देखिए ये तीन बातें पहले ध्यान रखिए, सबसे फर्स्ट क्या समझा कि वन हु राइट्स ड्रामा, जो ड्रामा लिखता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं या फिर प्लेराइट भी कहते हैं, दोनों का इंडिकेट क्या है, नाटक का। सेकंड, ड्रामा वर्ड आखिर ओरिजिन कहां से आया है, कहां से आया ये, तो कहां से, ग्रीक वर्ड, ड्रामा वर्ड कहां से आया, ग्रीक वर्ड। और ड्रामा वर्ड जो है, ड्रामा मीन्स क्या होता है, तो थिंग डन होता है। तो ये तीन पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए इसके बाद क्या है, सॉरी दो पॉइंट फर्स्ट और सेकंड, थर्ड क्या है कि आप समझते हो साइनोनिम्स, है ना। देखिए साइनोनिम्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है समानार्थी। देखिए हिंदी हो सकता है अशुद्ध हो तो उसके ऊपर कमेंट मत कीजिएगा, समानार्थी। तो जो ड्रामा वर्ड है, ठीक है, कौन सा, ड्रामा, तो ड्रामा वर्ड का जो साइनोनिम्स है वो क्या है, प्ले है। ठीक है, याद रखिएगा प्ले, तो ड्रामा वर्ड का साइनोनिम्स क्या है, प्ले है, ड्रामा प्ले, ड्रामा और प्ले आपस में क्या है, साइनोनिम्स है। इसका मीनिंग याद रखिएगा, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ड्रामा का मतलब साइनोनिम्स। अगर कोई ये बोलता है कि ड्रामा मीन्स प्ले, तो ये क्या है, गलत याद रखिएगा। ड्रामा का मीन्स क्या है, ड्रामा का अर्थ क्या है, थिंग डन है। और ये साइनोनिम्स है समानार्थी, मतलब ड्रामा को आप क्या कह सकते हैं, प्ले कह सकते हैं, प्ले को आप क्या कह सकते हैं, ड्रामा कह सकते हैं। अब देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, फिर आपके नॉलेज के लिए भी है, ये देखिए इन दोनों में ज्यादा पॉपुलर कौन है ना, पॉपुलर, यानी कि ड्रामा में और प्ले, इन दोनों में ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो ज्यादा पॉपुलर ड्रामा है। ठीक है, याद रखिएगा
कि ड्रामा और प्ले इन दोनों शब्दों में ज्यादा पॉपुलर कौन सा वर्ड है? ज्यादा पॉपुलर आपका ड्रामा वर्ड है। ठीक है, क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ड्रामा कहाँ से बना, ड्रामा का मतलब क्या है, ड्रामा का सिनोनिम्स क्या है, और दोनों जो वर्ड है ड्रामा और प्ले दोनों का हिंदी नाटक ही होता है, लेकिन दोनों में ज्यादा पॉपुलर कौन है? तो आपका ड्रामा वर्ड ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अभी नंबर फोर को समझ गया कि इसको अच्छे से। ड्रामा जो होता है, देखिए ड्रा लिटरेचर है, लिटरेचर का देखिए, अब लिटरेचर जो है हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए ड्रामा जो है, ड्रामा इज नॉट सोलली, देखिए सोलली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, यानी कि पूर्णतः। क्या होता है? पूर्णतः, कंप्लीटली। तो ड्रामा इज नॉट सोलली अ फॉर्म ऑफ व्हाट? लिटरेचर। देखिए इस लाइन में समझने का बहुत बेहतर तरीका से, देखिए ड्रामा इज नॉट सोलली, ड्रामा पूर्ण रूप से नहीं है। सोलली मींस क्या? पूर्णतः, नॉट मतलब नहीं। तो ड्रामा इज नॉट सोलली व्हाट? अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, फॉर्म है। फॉर्म मतलब क्या होता है? रूप। और लिटरेचर क्या होता है? साहित्य। देखिए ड्रामा साहित्य का कंप्लीट रूप नहीं है, है ना, ये लिटरेचर का फॉर्म है, बट नॉट सोलली, कंप्लीटली लिटरेचर का फॉर्म नहीं, उसका एक पार्ट कह सकते हैं। ड्रामा क्या? लिटरेचर का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, बट ये कहना कि ड्रामा कंप्लीट लिटरेचर है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, गलत है। तो साफ साफ लिखिए मैंने कि ड्रामा इज नॉट सोलली अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इट मींस ड्रामा साहित्य का, लिटरेचर का एक कंप्लीट फॉर्म नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लिटरेचर क्या है भाई, और लिटरेचर कंप्लीट फॉर्म कौन सा होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ड्रामा सोलली क्या है, लिटरेचर का फॉर्म नहीं है। तो नहीं है तो एक सवाल मन में आ सकता है, ये आ रहा होगा कि आखिर ये लिटरेचर है ना, लिटरेचर क्या होता है, इसका कंप्लीट फॉर्म कौन सा होता है, तो हम इसके ऊपर भी आएंगे। तो पहले आप ये जो चार पॉइंट है इसको अच्छे से एक बार पढ़िए, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, और फटाफट इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बिकॉज तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, केवल देखने से नहीं होगा। और मैंने बार बार कहा है कि एक टॉपर्स का सबसे बड़ा जो क्वालिटी होता है वो नोट्स बनाता है, जरूर से बहुत अच्छे से नोट्स बनाता है, और वो रिविजन बार बार करता है, और जब रिवाइज करता है तो पॉइंट्स को अंडरलाइन करता है, उसको मार्क करता है। तो लिखने का आदत डालिए, इंपॉर्टेंट पार्ट को लिखिए, केवल सुनने से याद कभी नहीं होता है। तो चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, कि ड्रामा इज नॉट अ सोली फॉर्म ऑफ लिटरेचर। अब हमको ये समझना है कि हमने कह तो दिया, क्या कहा कि ड्रामा सोली, सोली मींस क्या? कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, फॉर्म ऑफ लिटरेचर की साहित्य का पूरा रूप नहीं। अब बात यह है कि ड्रामा साहित्य का पूरा रूप नहीं है, पूर्ण रूप नहीं है, मतलब क्या हुआ? देखिए ड्रामा लिटरेचर का एक पार्ट है, लेकिन ये सोली कंप्लीटली लिटरेचर का पार्ट, लिटरेचर ये नहीं है। अब इसका मतलब समझना है, रट लेना है, ठीक है, कि ड्रामा इज नॉट सोली अ फॉर्म ऑफ, खाली स्थान आ जाएगा तो क्या मरेंगे? लिटरेचर। या जो भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ड्रामा, उसमें भी आपको समझाने के लिए आ सकते हैं, ड्रामा का टाइप्स आएगा, वहां भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। अब देखिए नॉट सोली, ड्रामा पूर्णतः नहीं है, क्या नहीं है? लिटरेचर का फॉर्म नहीं है। तो अब यहाँ देखिए ड्रामा पर से हम फैमिलियर है, सोली का मतलब कंप्लीटली, फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप होता है। एक नया वर्ड आ गया लिटरेचर, देखिए तो लिटरेचर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, कि लिटरेचर जो बना है, ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर जो वर्ड है इसका ओरिजिन, इसका उत्पत्ति जो है कहां से हुआ है? लिटेरा वर्ड से। किससे हुआ है? लिटेरा वर्ड। और लिटेरा जो वर्ड है ये कौन सी भाषा का है? तो लैटिन वर्ड है। तो याद रखिएगा लिटरेचर वर्ड का जो ऑरिजिन है वो लिटेरा वर्ड से हुआ है। लिटेरा कहा गया, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। और आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से पहले लैटिन भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए लिटरेचर कहां से बना? लिटेरा से, लैटिन वर्ड से। अब बात समझिएगा कि लिटरेचर आखिर होता क्या है, लिटरेचर कहते किसे हैं। तो आप सिंपल रूप में समझिए, इतना जरूरत नहीं बहुत ज्यादा डिटेल जानने का, लेकिन इतना जरूर जान लें अपने नॉलेज के लिए, लिटरेचर क्या है? तो इट इज अ, इट इज एन आर्ट इन रिटेन, इट इज एन आर्ट इन रिटेन फॉर्म। ये क्या है? रिटेन फॉर्म एक आर्ट है, जो भी आप जैसे कि, जैसे आप कह सकते हैं क्या, रिटेन पीस ऑफ वर्क है ये कह सकते हैं। तो ये क्या क्या इसमें से आपका स्टोरी है ना, आपका नॉवेल है, पोयम है, ये सब क्या है? सब कंप्लीटली रिटेन फॉर्मेट है। ड्रामा देखिए, ड्रामा भी रिटेन है, ड्रामा भी है आपका रिटर्न, लेकिन ये कंप्लीटली, यानी कि ड्रामा सोलली आपका रिटर्न फॉर्मेट नहीं है। तो इस क्या है ड्रामा? जब ड्रामा सोलली रिटर्न फॉर्मेट नहीं, तो क्या है?
देखिए ड्रामा के बारे में कहा जाता है क्या कि ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशनल ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। देखिए रिप्रेजेंटेशनल आर्ट का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंट करना, दर्शाना। कैसे मैं आपके सामने चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दर्शाना। तो आप ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट का मतलब क्या हुआ कि ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, मतलब ड्रामा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप खाली बोल के पढ़ के नहीं समझ सकते, इसको एक्ट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई आप जब क्लासेस में आते हैं, कोई आपको थॉट्स बोलना होता है, आप सामने खड़े होकर रिप्रेजेंट करते हो, दर्शाते हो। टीचर है आपको खाली कहीं बैठ के ऑडियो सुना दो तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ पे कि ड्रामा क्या है, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, इसीलिए इसको बोला गया कि नॉट सोनली अ फॉर्म लिटरेचर। अगर ये पूरा लिटरेचर का फॉर्म होता तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता, इसको दर्शाना नहीं पड़ता, इसको एक्ट नहीं करना पड़ता है ना। रिप्रेजेंट करने के सेंस क्या है, इसमें यहाँ पे एक्ट करना पड़ता है। और कहाँ पे एक्ट होता है, एक स्टेज के ऊपर एक प्लॉट होता है जहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या समझे, ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है ना। ड्रामा क्या है, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। एक और यहां ध्यान रखिएगा कि ड्रामा कहा जाता है क्या, कि ड्रामा इज ऑल्सो अ कंपोजिट आर्ट। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रामा इज ऑल्सो अ कंपोजिट आर्ट। क्या है ड्रामा, एक कंपोजिट आर्ट है। देखिए याद तो करना है, सब फिल द ब्लैंक्स आपका वन मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ड्रामा क्या है, तो एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। ड्रामा क्या है, तो एक कंपोजिट आर्ट है ना। ड्रामा क्या है, तो एक कंपोजिट आर्ट है। ड्रामा सोली फॉर्म लिटरेचर नहीं है। इन सब बातों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, नोट कर लेना है, तो बार बार इसको रिवाइज करना है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशनल आर्ट मैंने समझा दिया कि इसमें एक्ट करना पड़ता है, इसको रिप्रेजेंट दर्शाया जाता है। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रामा एक कंपोजिट आर्ट भी है ना। तो इसको आप पहले अच्छे से इतना तो पहले नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देर हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसमें कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या होता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि ड्रामा एक कंपोजिट आर्ट, ड्रामा जो है कंपोजिट आर्ट। तो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमने रट तो लिया कि कंपोजिट आर्ट, लेकिन कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए लिखा है कंपोजिट आर्ट मीन्स, तो समझिएगा ड्रामा को कंपोजिट आर्ट क्यों कहा जाता है ना, और कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या है ना, कि ये जो होता है कॉम्बिनेशन है, क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, मतलब मल्टीपल कई सारा, बहुत सारा, मल्टीपल मतलब बहुत सारा, कई सारा, कई सारा यानी कि बहुत सारा, कम से कम मल्टीपल आर्ट। मतलब कोई पूछे अगर आपसे सिंपल वर्ड में कि कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या है, तो आपको ही बताना है कि कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आर्ट, यानी कई सारे कलाओं को मिलाकर उनका एक सम्मिश्रण, उनका एक मिश्रण, वही क्या है, कंपोजिट आर्ट है। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आर्ट बोल तो दिया, इसमें क्या क्या आता है। देखिए मल्टीपल आर्ट में क्या आता है, सबसे पहले आता है कैरेक्टर्स, अलग अलग पात्र होते हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। दूसरा क्या होता है कि जो उनका सेट डिज़ाइन है, अब कैसा डिजाइनिंग करना है सेट का, यानी कि जो स्टेज है उसके ऊपर कैसा डिजाइनिंग करना है, उनका डायलॉग्स है ना, डायलॉग कैसा है। देखिए डायलॉग के बाद उनका मेकअप है ना, उसके बाद म्यूजिक, लाइट, कॉस्ट्यूम। देखिए कॉस्ट्यूम से होता ना, कॉस्ट्यूम का मतलब क्या, उनका ड्रेस कैसा, उनका गेटअप सेटअप रहेगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, इसमें डांस है, म्यूजिक मतलब वहाँ पे डांस, म्यूजिक डांस आप यहीं पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या समझे, इतना सारा, बहुत सारा चीज़ों का मिश्रण है, कैरेक्टर्स को चुनना, सेट का डिजाइनिंग कैसा सेट होगा वहाँ पे, किस चीज़ का सीन है, सेट का डिजाइन, डायलॉग्स क्या बोलेंगे, मेकअप उनका कैसा है, म्यूजिक और डांस, लाइट, कॉस्ट्यूम, ड्रेस, कैमरामैन, ये सब बहुत सारे, स्पॉट बॉयज, तो बहुत सारा चीज शामिल है। तब जाके ड्रामा क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ड्रामा क्या है, एक कंपोजिट आर्ट है। और कंपोजिट आर्ट का मतलब क्या है, आपको बहुत बेहतर तरीका से मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसलिए ड्रामा को हम लोग क्या बोलते हैं कि ड्रामा इज मीन्ट टू परफॉर्म, इसको बनाया गया परफॉर्म करने के लिए, कहाँ पे, ऑन अ स्टेज। ड्रामा को स्टेज पे परफॉर्म करना है,
इसके लिए एक जगह होती है जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो सेट डिजाइन है, डायलॉग्स, मेकअप सब कुछ रेडी किया जाता है और वहाँ पर ड्रामा लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ड्रामा क्या कहता है, परफॉर्म किया जाता है। ये उसका जो ड्रामा का पर्पज है, उसका उद्देश्य क्या है, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना। और याद रखिएगा, इट इज नॉट मीन्ट फॉर पर्सनल परसुअर, है ना। मतलब ड्रामा पर्सनल व्यक्तिगत चीज के लिए नहीं बना कि आप व्यक्तिगत आप उसको अकेले कर लेंगे, अकेले देख लेंगे, सुन लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। कैसे कहानी है, कहानी आप अकेले पढ़ लीजिए, कविता अकेले गा लीजिए, नॉवेल्स को अकेले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्रामा बना किस लिए, परफॉर्म ऑन द स्टेज, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए उसको एक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज नॉट मीन फॉर पर्सनल पर्सुअल, यानी कि व्यक्तिगत चीज के लिए नहीं बना हुआ है। तो क्लियर आप समझ लगे कि कंपोज आर्ट का मतलब क्या है, ड्रामा कंपोज आर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। और इसे ड्रामा जो है मीन टू परफॉर्म ऑन स्टेज, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बना है। और ड्रामा जो है नॉट मीन फॉर पर्सनल पर्सुअल। और एक समझिएगा यहाँ पे छोटा सा चीज, देखिए ड्रामा जो है, ड्रामा क्या करता है, ऑफर्स, ड्रामा हमारे सामने पेश करता है, ऑफर करता है, मतलब हमारे सामने पेश करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऑफर्स अस द डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव व्हाट रियलिटी। यदि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको वन मार्क्स में आ सकता है। देखिए अब क्या लिखो, ड्रामा ऑफर्स अस, ड्रामा हमको ऑफर करता है, हमको प्रेजेंट करता है क्या, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या, इमेजिनेटिव मतलब क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिकता वाला चीज, मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना, इमेजिनेटिव रियलिटी। और उसका डायरेक्ट प्रेजेंट मतलब कहने का सेंस, मान लो कि इसने कल्पना किया कि भाई ये कौन था, एक जमींदार था, है ना, कि कल्पना हो रहा है, एक जमींदार था, ठीक है, और वो बड़ा ही क्या था, जालिम था, वो बड़ा ही क्या था, घमंडी था, है ना। और उसका 500 बीघा में पुदीना रोपाता था, है ना, बहुत से लोग जमींदार लोग रहते हैं, मेरा 500 बीघा में पुदीना रोपाता है। तो मान लीजिए कि एक जमींदार था, जालिम था, घमंडी था, अब एक इमेजिनेशन हुआ, अब उन्होंने क्या बोला, ड्रामा ऑफर्स अस द डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी, मतलब जो उसने इमेज किया गया है, जो कल्पना किया गया है, उसका डायरेक्ट प्रेजेंटेशन स्टेज पे। सच में कैरेक्टर होता है जो जमींदार बनता है, बड़ा बड़ा खतरनाक सा मूंछ होता है, काला सा मोटा सा भैंसा की तरह होता है, जाली टाइप का घमंडी, क्योंकि वो जाली और घमंडी उसको दिखाना है। तो क्या सोच, जो कल्पना उसमें किया जाता है, इमेजिनेशन किया जाता है, उसको स्टेज के ऊपर डायरेक्ट प्रेजेंट करके दिखाया जाता है। एक राजा था, एक रानी थी, लैला मजनू का, तो राम सीता का प्रेजेंट आपके गाँव में होता है, तो क्या है, एक राम बनते, एक सीता बनते। तो कहने का मतलब जो भी उसमें कल्पना है, वास्तविकता, उसको वो डायरेक्ट प्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा बात अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी में फर्स्ट जगह निकाल के आपको इसका जो फर्स्ट पेज था, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, उसी का पूरा ये क्वेश्चन है। इसमें एक और चीज़ है कि ड्रामा के लिए उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, देखिए एलिमेंट तो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ड्रामा को बनाने के लिए तीन सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है प्लॉट, दूसरा है कैरेक्टर, और जो थर्ड है वो है डायलॉग। याद रखिएगा, ड्रामा को फॉर्म करने के लिए जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, एक प्लॉट, एक कैरेक्टर और एक डायलॉग। तो ये जो फर्स्ट पेज था, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव मेन मेन जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आई होप कि कहीं भी इसमें फर्स्ट पेज से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए जल्दी जल्दी एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जितना कुछ समझा वो सारे को मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, और मैंने पहले से नहीं बोला क्योंकि फिर आपका फोकस आधा सीधे यहीं पर कि हम यहीं से नोट कर लेते हैं। तो मैंने जितना कुछ आपको अभी तक समझाया ड्रामा के बारे में, पेज नंबर 1 से ये सारा था, मतलब ड्रामा का जो चैप्टर है उसका पेज 1 से ये सारा कुछ मैंने समझाया था। जो भी समझाया पूरा ये 12 पॉइंट्स के अंदर मैंने उसको सम अप कर दिया। तो आप इसको फटाफट यहाँ से नोट कर लीजिए, कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट मत लीजिए क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मोबाइल में फिट ऑफ कोचो जो होता है वो क्या होता है, कभी भी अपने एल्बम के ऊपर नहीं आ पाता, वैसे अगर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे आपके नोटबुक पे कभी नहीं आएगा। तो देखिए फटाफट हम लोग रिकॉल कर लेते, देखिए
सबसे पहले समझा कि ड्रामा जो लिखता है उसे क्या कहते हैं, प्ले राइट, या उसको और क्या कहते हैं, ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं, है ना, ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं। फिर देखिए द वर्ड प्ले इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ड्रामा। ड्रामा जो वर्ड है उसका पर्यायवाची, उसका समानार्थी क्या है, प्ले है। द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले, यानी कि ड्रामा वर्ड ज्यादा पॉपुलर है किसके, प्ले के तुलना में, यानी कि ड्रामा वर्ड का यूज क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्रामा ज्यादा पॉपुलर है, प्रचलित है। ड्रामा वर्ड आया कहां से, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, और ड्रामा का मतलब क्या होता है, थिंकर। मतलब यहां पे बस मैं पढ़ दे रहा हूं, बिकॉज अभी थोड़ी पहले मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। ड्रामा इज नॉट सोलली, देखिए सोलली का मतलब क्या बताया था, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो ड्रामा पूर्ण रूप से फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं, यानी साहित्य का रूप नहीं है। और लिटरेचर कहां से बना है बता दिया, लैटिन वर्ड लिटेरा से बना है। और लिटरेचर क्या है, तो लिटरेचर एक पीस ऑफ रिटन वर्ड, एक आर्ट है, एक कला है, रिटन रूप में, जैसे कि नॉवेल है, स्टोरी है, पोएम्स है, ड्रामा भी है, लेकिन ड्रामा नॉट सोली, पूर्ण रूप से लिटरेचर का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एक्ट किया जाता है। और कंपोजिट आर्ट का मतलब हमने बता दिया है, इसमें डांस, कैरेक्टर्स, सीनिक इफेक्ट है, आपका डायलॉग्स है, कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, म्यूजिक है, लाइट है ना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। ड्रामा इज डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, इसको बनाया गया है स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, वहीं पे इसको प्रदर्शित करने के लिए। ड्रामा इज नॉट मीन फॉर पर्सनल पर्स्यू, देखिए पर्सनल पर्स्यू का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति के ऊपर ड्रामा कभी भी नहीं यूज हो सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट इसके बहुत सारे हैं, छह सात एलिमेंट है, लेकिन जो मोस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो तीन चीज कंपल्सरी, ये तीन चीज होना ही चाहिए, इसका तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन सा है, प्लॉट है, कैरेक्टर, और क्या है, डायलॉग है। हम लोग अभी आगे समझेंगे प्लॉट का मतलब क्या है, कैरेक्टर का मतलब क्या है, डायलॉग का मतलब क्या है, इसका धागा खोल देने, धागा घबराइए मत, एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। और ड्रामा ऑफर्स अस अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी, मैंने आपको समझाया अभी कि जो कल्पनाएं होती है ना, उस कल्पना को वहां पर रियल में डायरेक्ट प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि जमींदार था, बड़ा जालिम था, घमंडी था, तो वो कल्पना हुआ, वहां पर सच में स्टेज में आपको दिखेगा एक बड़ा ही खड़ूस टाइप का आदमी, बड़ा बड़ा मूंछ होगा उसका, काला सा होगा, मोटा सा गेंडा सा टाइप का होगा, चलने का उसका स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका दर्शाएगा कि सच में घमंडी है, जालिम है ना। तो ये चीजें इसमें क्लियर है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।